ऐसी कैटेगरी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास थर्ड हिंदी मीडियम की क्लास थर्ड है, उसमें सब्जेक्ट है हिंदी। कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी। विषय हिंदी में हम व्याकरण का काम करेंगे। व्याकरण का काम सेकेंड हिंदी जिसको बोलते हो वो व्याकरण का काम हम करेंगे। व्याकरण के बिना हमारा हिंदी का कोई वाक्य नहीं पढ़ा जाता। व्याकरण में हम टॉपिक करेंगे संज्ञा, या आपको करना अपनी ही जो हिंदी की कॉपी है उसी के अंदर करना है। नए पेज पे करना है, संज्ञा ऊपर हेडिंग लिखोगे, हेडिंग ऊपर संज्ञा लिखोगे और उसके नीचे उसका वर्क करोगे। नए पेज से ये संज्ञा का वर्क करना है। असंज्ञा क्या होती है? पहला प्रश्न है संज्ञा किसे कहते हैं। अब जहां है बोला जाता है क्या बोल रहे हैं? देखो है नहीं बोल रहे, है बोल रहे हैं। जहां पे है बोला जाएगा वहां पे क्या आएगी? ये बिंदी अनुस्वार, ये जरूर आएगा। है बोला जाएगा उसके बिंदी नहीं आएगी, लेकिन जहां पे हम है बोल रहे हैं, है नाक में सेवा जा रही, बनी आ रही है नाक में से, तो है के ऊपर अनुस्वार आएगा, बिंदी आएगी। संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर देखो, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। है प्रति अनुस्वार आएगा, बिंदु है। को किसी व्यक्ति, व्यक्ति मान लो किसी का नाम आ गया, मोहन, राम, सीता, व्यक्ति वस्तु मेज कुर्सी पंखा ये वस्तु, स्थान दिल्ली हरसाना अनूपगढ़ अजमेर ये स्थान के नाम आ गए। गुण उसमें कैसा गुण है? वह बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या हो गया? उसमें गुण है, गुण या भाव, मिठाई मिठाई के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी उन सबके नाम है उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, राम, मोहन, सीता, दिल्ली, आदि आपको समझाने के लिए है कि ये जो है ये संज्ञा के उदाहरण है। अब देखो नंबर दो प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं?
देखो संज्ञा के कितने भेद होते हैं। उत्तर देखो संज्ञा के तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा ये तीन इसके ये होते हैं। अब इसका एक वाक्य देखें, वाक्य का उदाहरण देखें। मोहन कल बीवी गया था। अब देखो मोहन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो गया? ये संज्ञा। हिंदी क्या है? जगह का नाम है, तो ये भी एक संज्ञा है। इस शब्द वाक्य के अंदर दो संज्ञा शब्द। अब दोबारा देखो प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर है किसी व्यक्ति का नाम रमेश, सुरेश, मोहन, सोहन कोई भी हो सकता है। किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, वस्तु जानते हो कपड़ा, पंखा, मेज, कुर्सी, ये वस्तु, स्थान, स्थान यानी किसी भी जगह का नाम, स्थान, गुण, उसमें कैसा गुण है वो, या भाव, जो उसमें भाव दिया गया है वो, के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा जैसे ये तो अभी परिभाषा, किसको कहते हैं संज्ञा। अगर हमें संज्ञा याद होगी तब हम आगे बढ़ेंगे सर्वनाम की। पहले हमें संज्ञा बता दीजिए कि कौन सी संज्ञा है। जैसे देखो राम, रोहन, सीता, दिल्ली आदि, ये उदाहरण दिए आपको कि ये संज्ञा के उदाहरण है। अब ये देखो यहाँ पे दिया हुआ वाक्य, मोहन कल दिल्ली गया था। तो मोहन और दिल्ली ये दोनों क्या है? संज्ञा शब्द है। प्रश्न संख्या दो, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यहां पर क्या आएगा? अनुस्वार है, पर बिंदिया की है, अनुस्वार आता है। संज्ञा के
संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। हमें यहाँ पर सिर्फ नाम लिखने हैं, आगे बड़ी क्लासों में इसका भेद होगा। तो ये संज्ञा आपको अपनी हिंदी की रैकारी की जो कॉपी है उसी में ही लिखना है, और नए पेज से लिखने ये संज्ञा जो है आपको नए पेज से लिखनी है और हिंदी की कॉपी में लिखनी है, साफ सुंदर हैंडराइटिंग में, और इसको बोल बोल के याद भी करना है। धन्यवाद।